तो गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप दैट कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे, क्योंकि जब तक इंसान यार सही से सक्सेस नहीं हो जाता तब तक उसको पता ही नहीं लगता कि मैं कितना ठीक हूँ और कितना ठीक नहीं हूँ। तो करो वीडियो को अच्छे से एंजॉय और कुछ सीखो वीडियो से, और आई एम श्योर दैट कि जो इंसान कुछ सीखा हुआ होता है वह यदि ठीक नहीं भी है तो एट द एंड वह ठीक हो ही जाता है। तो आपने इतनी सारी थंबनेल्स में मोटर्स को देखा है, यह सब की सब देखने में तो लगभग सेम सी ही लगती है, लेकिन इनमें से कौन सी मोटर किस एप्लीकेशन के लिए एकदम परफेक्ट बनी हुई है वह सब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और कुछ लोगों का यह भी क्वेश्चन होता है कि हमें कोई जनरेटर बनाना है तो हम कौन सी मोटर काम में ले या कौन सा जनरेटर काम में ले, क्योंकि इनमें से कुछ मोटर ऐसी भी है जो मोटर जनरेटर दोनों का ही काम करती है बहुत अच्छे से। इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सा जनरेटर यूज होता है, और हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है सेलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर, और इन लोगों का आंसर एकदम ओके है, इन्होंने एकदम सही रिप्लाई किया है। तो मोटर्स की दुनिया में जो किंग है वहीं से शुरुआत करते हैं, इंडक्शन मोटर से। आपको पता है इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और क्यों पॉपुलर है इस पर वैसे तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। एक तो इस मोटर की डिजाइनिंग इतनी सिंपल है कि यदि आप इस मोटर को अपने घर पर भी खोल लोगे तो इसमें कोई टूटने फूटने का डर नहीं है। कंस्ट्रक्शन इस मोटर का इतना स्ट्रांग है कि आसानी से इस मोटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। सेकेंड थिंग, इंडक्शन मोटर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में खराब होने के चांस है। यदि आप मोटर को बहुत ही बुरी तरीके से यूज में लेते हो, जैसे ओवर लोड पर या ज्यादा वोल्टेज की सप्लाई दे देते हो, तभी मोटर के खराब होने के चांस है, वरना एक इंडक्शन मोटर बिना खराब हुए जितनी आपकी लाइफ है उतना चल सकती है। अब इस मोटर की कुछ लिमिटेशंस है। इस मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, इसलिए इस मोटर को ज्यादातर हम लोडिंग में ही काम में लेते हैं, जैसे एस्केलेटर हो गया, एलिवेटर हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स में इस मोटर को कंट्रोल किया जाता है इन्वर्टर के थ्रू, वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर, फ्रिज, पानी का पंप, इन सब में इंडक्शन मोटर ही काम में ली जाती है। अब यह सब के सब ऐसे एप्लीकेशन है जिनमें हमें बहुत ज्यादा मोटर कंट्रोल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम मोटर को ऑन ऑफ ही करते हैं, इसलिए इंडक्शन मोटर को हम कह सकते हैं कि यह एक वर्कर की तरह काम करती है, स्विच ऑन करते ही ऑन हो जाती है और इसको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इस मोटर का कंट्रोल इतना शानदार नहीं है, इसलिए जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री होती है वहां पर इसको कम ही यूज में लिया जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर मोटर भी हमारे पास में है। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग इंडक्शन मोटर को मॉडिफाई करके एक जनरेटर की तरह काम करवाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इंडक्शन मोटर को जनरेटर की तरह काम में लेने की कभी सोचना भी मत। नॉर्मल कंडीशन में तो इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है जनरेटर की तरह काम करने का। वैसे इंडक्शन जनरेटर भी होता है, लेकिन वह काम में नहीं आता, बस नाम का ही होता है। दूसरी मोटर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। आई थिंक आपने इस मोटर को कभी देखा भी नहीं होगा, क्योंकि इस मोटर का यूज हमारी जनरल लाइफ में नहीं है इंडक्शन मोटर की तरह। इस मोटर का यूज ऑटोमेशन इंडस्ट्री में दबा के यूज होता है। इसका नाम ही सिंक्रोनस मोटर है, तो यह सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, मतलब इस मोटर की स्पीड एकदम कॉन्स्टेंट रहती है। यदि इसको प्रॉपर सप्लाई मिल रही है तो इस मोटर पर लोड कम ज्यादा होता है तो मोटर की स्पीड पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हम इस कोल्ड ड्रिंक वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का तैयार होकर भरने के लिए जा रहा है। अब यदि यहाँ पर जैसे इंडक्शन मोटर होगी तो जो कोल्ड ड्रिंक भरने वाले नोजल है वह तो नीचे आ जाएंगे कोल्ड ड्रिंक भरने के लिए, और बोतल पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें ऐसी मोटर चाहिए जो कोल्ड ड्रिंक वाले नोजल इन केन के अंदर कोल्ड ड्रिंक भरने के लिए नीचे आए तब तक केन वहाँ पर पहुँच जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर काम करती हो और जिन मोटर्स को कंट्रोल करना आसान हो। और सिंक्रोनस मोटर में यह क्वालिटी है। इसके अलावा और भी कुछ मोटर है, जैसे डीसी संट मोटर है, यह भी कॉन्स्टेंट स्पीड पर ही काम करती है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो डीसी मोटरें होती है उनको कंट्रोल करना आसान होता है एसी मोटर से। इस सिंक्रोनस मोटर का हमारी नॉर्मल में कोई भी यूज नहीं है, और यदि हम नॉर्मली इसको ले भी आए तो हम इसको इतनी आसानी से नहीं चला सकते, क्योंकि यह डबली एक्साइटेड मशीन है। इसको हमें 220 वोल्ट की सप्लाई तो देनी ही होगी, इसके अलावा इसके रोटर पर अलग से फील्ड वाइंडिंग के लिए डीसी सप्लाई देनी होगी, जैसे हम कार अल्टरनेटर में देते हैं वैसे। अब सिंक्रोनस मोटर है तो सिंक्रोनस जनरेटर भी होगा, और सिंक्रोनस जनरेटर जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं वहां पर काम में लिए जाते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर और कार अल्टरनेटर दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, और सिंक्रोनस मोटर भी सिंक्रोनस जनरेटर की तरह ही काम करती है, बस वह एक मोटर है। तो आप अल्टरनेटर वाले वीडियो से सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर की दोनों की वर्किंग को समझ सकते हो। अब नेक्स्ट मोटर है ब्रशलेस डीसी मोटर। इस मोटर का यूज हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ड्रोन के अंदर यही मोटर काम में लिए जाती है। इसके अलावा सीडी डीवीडी राइटर, हमारी हार्ड डिस्क में भी यही मोटर यूज होती है, और यह मोटर कैसे काम करती है इस पर मैंने वीडियो बना दिया है एक अलग से। अब यह जो ब्रशलेस डीसी मोटर है इसकी स्पीड 40,000 आरपीएम तक हो सकती है, लेकिन इस मोटर के साथ
इसमें एक प्रॉब्लम है, यदि आपने डायरेक्ट बाजार से ब्रशलेस डीसी मोटर को खरीद लिया तो आप इसको चला नहीं पाओगे। यह मोटर इसके कंट्रोलर के बिना नहीं चलती है, इसका कंट्रोलर ही इस मोटर को चलाता है। अब यह मोटर इतनी स्पीड में चलती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 मिनट ही चल पाएगी फिर जल जाएगी। यह लॉन्ग टाइम तक हाई स्पीड में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और आज के टाइम में जो छोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं जैसे स्कूटी बाइक वगैरह, इनमें BLDC मोटर ही यूज होती है जिसको एक कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है। तो आपका कोई हाई स्पीड वाला प्रोजेक्ट है या फिर आपको किसी भी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए BLDC मोटर एकदम परफेक्ट है। इसके बाद आती है यूनिवर्सल मोटर, इसका नाम आपने सुना होगा। यह भी बहुत हाई स्पीड मोटर है और इसमें अच्छी बात यह है कि यह AC और DC दोनों सप्लाई से चल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यदि आपको पता है यह कहां पर यूज होती है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारे घरों में जो ग्राइंडर मिक्सर होता है उसमें यही मोटर लगी होती है। यदि आप इसको 220 वोल्ट DC या फिर 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हो तो यह आराम से चलेगी, लेकिन DC सप्लाई आपको मोटर के कम्यूटेटर पर देनी है। स्पीड इस मोटर की भी 18,000 RPM तक है, लेकिन यह ब्रशलेस डीसी मोटर की तरह लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती। 2-3 मिनट के बाद में इसको बंद करना ही पड़ता है वरना यह जल जाएगी। नेक्स्ट मोटर है DC सीरीज मोटर। इस मोटर का यूज हेवी एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ट्रेन्स के अंदर जो ट्रैक्शन मोटर लगी रहती है वहां पर इसी मोटर को यूज में लिया जाता है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चाहे डीजल ट्रेन हो या इलेक्ट्रिक ट्रेन, दोनों ही ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन ही होती है और दोनों में यही मोटर यूज में ली जाती है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो। इस मोटर की खास बात यह है कि जब इसको हम स्टार्ट करते हैं और यदि इस मोटर पर हमने कोई लोड नहीं डाला तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इस मोटर को हमेशा लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। और ट्रेन में तो आपको पता है खूब लोड होता है, तो इस मोटर पर जितना ज्यादा हम लोड डालेंगे यह उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगी। तो इस मोटर को ज्यादातर हेवी लोड एप्लीकेशन में काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, क्रेन्स, इन सब में। नेक्स्ट मोटर है स्टेपर मोटर। यह हमारी वॉच की तरह चलती है रुक रुक कर, यानी स्टेप्स के अंदर, इसीलिए इसका नाम ही स्टेपर मोटर है। इस मोटर की कोई ज्यादा स्पीड नहीं होती है और इसका यूज क्लॉक्स में ही किया जाता है। और इस मोटर का यूज ऑटोमेशन इंडस्ट्री में भी खूब होता है। जो छोटे DIY के प्रोजेक्ट करते हैं उनके लिए यह छोटी DC मोटर होती है जिनको परमानेंट मैग्नेट DC मोटर बोलते हैं। यह हाई स्पीड मोटर भी आती है, हाई टॉर्क मोटर भी आती है। इन मोटर की स्पीड 12,000 RPM तक होती है, 24 वोल्ट DC से 36 वोल्ट DC तक यह चल सकती है। अब ऐसा नहीं है कि यह मोटर कोई टेम्परेरी मोटर है, इसको आप रेगुलर फंक्शंस में भी काम में ले सकते हो, बहुत ही शानदार मोटर आती है यह भी। अब यदि आप जनरेटर के लिए कोई छोटी मोटर यूज में लेना चाहते हो कोई छोटे एप्लीकेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से DC मोटर या जनरेटर बेस्ट है। जो परमानेंट मैग्नेट वाले होते हैं वह है। जिस मोटर का जितना ज्यादा टॉर्क होगा वह मोटर उतनी ही ज्यादा पावर जनरेट करेगी, इसलिए जनरेटर के लिए यदि आपको हाई स्पीड मोटर काम में लोगे तो वह हाई स्पीड पर ही पावर जनरेट करेगी। लेकिन यदि आप कम ही स्पीड में ज्यादा पावर जनरेट करवानी है तो आप हाई टॉर्क वाली मोटर को यूज में ले जिनकी स्पीड कम होती है। अब यदि आपको यह चेक करना है कि कोई भी मोटर जनरेटर का काम करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए आपको एक काम करना है, मोटर के रोटर को बाहर निकालना है और आपको देखना है कि इसके रोटर पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं, यानी इसके रोटर पर मैग्नेट लगी हुई है या नहीं। यह मैग्नेट स्टेटर पर भी हो सकती है और जिस मोटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है वह मोटर डेफिनेटली एक जनरेटर का भी काम करेगी। लेकिन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर का कंसेप्ट अलग है, यह सिर्फ छोटी मोटर के लिए ही है जो DC मोटरें होती है वह। अब इनके अलावा और भी बहुत सारी मोटर है लेकिन पॉपुलर यही है। और यदि इनके अलावा आपको किसी और मोटर के बारे में इन डिटेल में जानना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।